अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। कैसे आप? उम्मीद करती हूं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो आज है जैसे कि आज है सैटरडे और हम लोग तो जेबा और मैं जा रहे हैं डीमार्ट। तो चलिए फिर हम लोग डीमार्ट से आ चुके हैं जेबा में और इतनी ज़्यादा गर्मी की हालत ख़राब हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा रश थी उधर, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी बिलिंग भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी जल्दी सब बिलिंग वलिंग सब हो गया, फारिग हो गए थे और यहाँ सब राशन अभी ला के रखे। अभी आराम से मैं डालूँगी ये राशन को, अभी नहीं डालूँगी, अभी भरूँगी नहीं, बाद में भरूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ा पहले बैठूँगी उसके बाद। तो यहाँ भी सब राशन लाया हुआ है, सब एक के ऊपर एक रखा है फ़िलहाल। अभी ये सब भरने का, भरने के लिए आधा एक घंटा जाएगा पूरा अभी मेरे को। तो अभी ये सब लाए, ये पूरा खोलूँगी, पहले पूरा खोलूँगी फिर सेट करूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा बैठ के पूरा रिलैक्स करके और जस्ट मैं पानी मारी आपके घर पर। अभी 6:30 हो रहे हैं, साढ़े छः हो रहे हैं। खाना खा के बर्तन धो के सब करके फारिग होकर चले गए, लगा लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जल्दी जल्दी होगा तो आ गए थे। इतना सही ना लाओ तो वहाँ डी मार्ट के पास ही पॉपकॉर्न मिलता है, पॉपकॉर्न बहुत अच्छा रहता है। कौन सा फ्लेवर है? पहली पहली चीज़ वाला है। जब भी जाते ना तो पॉपकॉर्न हम लेके आते हैं वहाँ से, चीज़ पहली 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 वाला नहीं मिलता है ना, चीज़ मिलता है खा के फिर मिलती है। तो जैसे कि अभी जा रही बाज़ार घूमने के लिए, बहुत सारा बाज़ार है, फैन चालू रखे, आवाज़ आ रही है कहीं पता नहीं। तो ये सब निकाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये सब निकाल देती फटाफट। और चना ऐसा लेके आए घर में, खाते हम लोग चाय के साथ कभी कॉफ़ी के साथ चना। तो एक डब्बा मैंने भर के रख दी पहले ही, तो यहाँ ये डब्बा, ये बड़ा वाला डब्बा भर के रख दी और ये एक पैकेट एक्स्ट्रा है ये रख दी चौली। और ये सब भी लाते ना वहाँ से, अच्छा पड़ता है ये, इसमें नली और ये चक्री रहती है, ये अच्छा रहता है। दाल चावल से आप इसको ना फ्राई करके खा सकते, बहुत अच्छा रहता है ये भी। और क्या लाइए, और सेंगे और ये सोया चंक्स है, बच्चे लोग खाते हैं ना तो इसलिए लेके आए सोया चंक्स। और नमक यही यूज़ करते हैं अभी हम लोग, चाटा है ना नमक नहीं अभी यूज़ करते, छोड़ दिए, बहुत टाइम हो गया छोड़ के। रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं अभी, यही लेके आते हमेशा। और हैंड वॉश, ये सब हैंड वॉश, टिश्यू पेपर से सब सब लगते। काला चना है, बेसन है। कभी दिल, मुझे भी बहुत दिल होता पॉपकॉर्न खाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले लिए, आधा किलो है शायद, हाँ ये आधा किलो ही है। मैदा है, शक्कर है और ये पानी पूरी का पूरी मिलने लगा तो वो भी लेके आई मैंने अभी। इंशाल्लाह अभी पानी पूरी बनाएंगे हम लोग। चाय पत्ती है, तेल है, तेल का डब्बा ऑलरेडी है मेरे पास बड़ा वाला, तो मैंने अभी फिलअप पाउच लेके आई। और ये अमूल का छोटा आधा किलो का लेके आई बस। और क्या है इसमें, हाँ चना है, वह है, मिर्ची है, ये मिर्ची लेके आओ अच्छी पड़ती है। और धनिया पाउडर वो सब था आधा आधा किलो का, तो मैंने छोटा छोटा पैकेट ले लिया धनिया पाउडर का। और ये है चावल, बिरयानी बनाने का चावल ले ली 2 से 2.5 किलो। ये है तुअर दाल है, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल। और इसमें क्या है, इसमें सब है। फिनाइल की बॉटल ला ली एक सनी की, अच्छा चलता 2 महीना चलता मेरे को, ओके मिक्स अचार ला ली। और ये मॉइस्चराइजर, नॉर्मल क्रीम है ये, मॉइस्चराइजर है ना, हाँ कुछ तो है, पेप्सिडेंट है, ऐसा सब लेके आ गए। ईयरबड का डब्बा भी लाओ, ये भी चलता है 1 महीना चलता है आराम से सबको। और ये वाइपर मेरा ख़राब हो गया था, वो वाला एकदम गंदा हो गया था, तो ये नया लेके आए। ये हैंड वॉश लो ना, हैंड वॉश एक पे फ्री है ये और एक ग्रीन और ये ब्लू, यही 2 लेके आती हूँ हमेशा।
सस्ते में भी पड़ता और अच्छा यूज़ में डेली हम लोग डेली तो हैंड वॉश दो बॉटल डेली मतलब लगती है, वह एक जहाँ बर्तन धोती हूँ वहाँ रखती हूँ और एक यहाँ छोटा वॉश बेसन एक यहाँ रखती हूँ और एक वहाँ रखती हूँ मोटी धोती हूँ तो लगते रहता है हमेशा। और सब विम बार साबुन है काथा है सब लेके आ गई वहाँ से, अभी सब भरने का मेरे को। और गेहूँ वहाँ ला के रखी, गेहूँ आटा था आटा है फिलहाल, अभी आटा है फिलहाल तो गेहूँ लाई अभी उसको पिसाने देंगे उसको। सब दाल इनका सब भरने का है फटाफट, ये सारी चीज़ अभी भर लेती हूँ फटाफट पूरा। और थोड़ा वो सामान तो एक दो सामान रख भी दी मैंने, बटर रख दिए जैसे कि और क्या है और भी दो चार सामान था जो रख दिए ये अल्लाह। और यहाँ ये फ्रेश क्रीम है, एक अमूल का भी आता है, ये भी आता है, ये नया लेके आई हूँ ट्राई करूँगी इसको कैसा है। बटर चिकन में और वो वाइट सालन में काम आता है तो एक ले ली मैंने डब्बा। और साथ में मिल्क मेड जब भी जाती हूँ मिल्क मेड लेके आती हूँ कि खीर शीर कुरमा बनाती हूँ ना तो मीठा तो लगता है, ये तो एक डब्बा हमेशा जब भी लाती हूँ बड़ा एक डब्बा लेके आ जाती हूँ। और एक मकरोनी बोलते पास्ता बोलते इसको ये भी बना देती हूँ जब दिल होता, अंडा वाला बनाती हूँ सादा बनाती हूँ। और ये छिले हुए चने जो है ऑलरेडी मेरे पास डब्बे में, आधा डब्बा है और भी तो भी और ले ली मैंने ये। और ये क्या है चौली है, ये क्या है एलिबॉन का लाए एक सीरम और क्या अरे अल्लाह हाँ ये सब चीज़ें हैं। और कॉर्नफ्लावर है, बारीक रवा है, रवा है ये कॉर्नफ्लावर पाउच ला लो अच्छा पड़ता है, यहाँ से बहुत महंगा पड़ता है नीचे से। तो कॉर्नफ्लावर ये पहले भी लाई थी दो पाउच लाई थी, अभी एक पाउच बचा एक ख़त्म हो गया तो एक और लेके आई अभी मैंने। तो मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ, जैसे कि आज नाश्ता हो गया है, अभी मैंने टोस्ट और बटर लाई थी वो खा ली है चाय टोस्ट। और काम पड़ा हुआ है, काम पेंडिंग है अभी फिलहाल तो, झाड़ू पोछा सब बाकी पूरा टू जेड काम बाकी है। और तो फिर रात में सब सामान डीमार्ट से लाए थे, जेवा में तो गए थे और सब सामान वामान ला के रख दिए थे। फिर उसका फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हाथ पे में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, दर्द हुआ था, फिर दवाई ली मैंने उससे अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। अभी मॉर्निंग में उठी पहले कॉफ़ी पी, पानी पिए कॉफ़ी पिए, उसके बाद नाश्ता इस्टा हो गया हम लोग का, अभी बस अभी जारी काम करने के लिए। और काम करने तब तक कर लूँगी तो सब हो जाएगा, क्लीन कर लूँगी बर्तन धो के झाड़ू पोछा सब कर लूँगी। और आज फिर छुट्टी है खाना बनाने की क्योंकि आज फिर से बाहर से ऑर्डर दे दिए, आज दिए हैं सिख बिरयानी, नॉर्मल मुझे सिख बिरयानी वो लजीज से ऑर्डर दिए। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह काम सब हो चुका है और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, अभी बज रहे 12:30 बजे काम हो गया था मेरा, फ्रेश हो गई हूँ मैं पूरा घर, मैंने किचन विचन सब क्लीन नीट कर ली, सब हो चुका है पूरा क्लीन नीट हो गया माशाल्लाह से। और अभी खाना 1:30 बजे तक आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह खाना खाने बैठेंगे, फिर मैं आपको फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। और आज मैं तो आपको बताई कि सिख बिरयानी मंगा रहे थे प्लेस सादा वाला सिख बिरयानी। और अभी तो कुछ काम है नहीं और कपड़े में जो धोई थी परसों के दिन और कल थोड़े धोई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े, वो कपड़े अभी मैं फ़िलहाल तय करने बैठूँगी, अब घड़ी करके रख दूँगी क्योंकि 12:30 हो रहे और कुछ काम अभी है नहीं, मैं भी फ्री हो गई एकदम, तो अभी जस्ट मैं कपड़े का काम करके फारिग हो जाऊँगी। तो यहाँ आ गया है खाना, खाना आ गया है गरम है लेकिन थोड़ा सा इसको और गरम करेंगे क्योंकि इतना गरम नहीं रहता है जितना गरम में मज़ा आता है खाने में, थोड़ा कम गरम रहता है। तो इसको पहले तो प्लास्टिक पन्नी निकाल लेंगे इसकी, इसको ढक्कन लगा के यहाँ तवा चढ़ा देंगे पहले गैस के ऊपर, ऐसा तवा रख के फिर ये चावल इस पर रख देती हूँ तो अच्छा दम हो जाएगा थोड़ी देर, 5-10 मिनट रखूँगी तो गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ मैंने खाना रख दी गर्म होने के लिए और यहाँ कचुम्बर आया हुआ है, कचुम्बर तो बन के ही आता है, सिर्फ इसमें नमक डाल के मिक्स करने का रहता है। अब इसको प्याले में निकाल के इसमें नमक डाल के मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ खाना चढ़ा दी मैंने गरम होने के लिए, खाना गरम हो रहा है, जब तक थोड़ा
और टीवी हम लोग की आई नहीं, ऑलरेडी बन गई वो, कुछ नहीं कर रही है, देख रही हो तुम लोग कुछ नहीं। और ये टीवी इधर जो आने वाली थी वो आई थी, चेक हुआ लेकिन सही से नहीं बना हुआ था, नहीं बना था तो फिर से उसको रिटर्न कर दिए हम लोग कि सही से बनी भी नहीं, अभी भी उसमें फटी हुई आवाज़ आ रही है, स्पीकर का प्रॉब्लम है और पैनल का फिर प्रॉब्लम बता रहा था। तो फिर से हम लोग कंप्लेंट किए, तो फिर उसी दिन वो लेके चले गए, लगाए चेक किए लेकिन अब बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, बोले काम नहीं हुआ है सही से, तो फिर से उसको रिटर्न चले गए। अभी शायद कल या परसों तक आ जाएगी टीवी, और अभी खाना दम हो रहा है, जैसे खाना गर्म हो जाएगा फिर हम खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। और ये भी फुल संडे का मज़ा ले रहे, लेकिन इनको कहाँ है, लेकिन अभी बोर हो गए, टीवी नहीं है ना तो बोर हो गए, बोले मोबाइल भी कितना देखो, देखो मोबाइल पा बेचारे थक जाते, मोबाइल देख देख के थक जाते, उनको टीवी के बगैर चलता नहीं। उसने बोला नहीं होगा सामने से आज ना स्टार्ट कर पाए, उसको स्पेशली बोलना पड़ेगा। अभी सेवा का निकाल दो बस ना, मम्मी सबको निकाल, वो टाइम हो गया सादा अच्छा लगता खाने में। खबर बोला मामा भैया दूंगा मैं, क्या क्या बोले मुस्तफा ने, सादा खाना मंगाओ पैसा मैं देता हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम मंगाओ कोई भी मंगाओ, पैसा तुम दो वो दो एक ही है ना, लेकिन मेरे पैसे मेरे है मेरा। यहाँ थोड़ा सा ले लेंगे कचुंबर, दो सौ साठ रुपया तो आइए आप सबको खाना खाने के लिए। तो यहाँ जैसे कि यहाँ मैं चढ़ाई हूँ फ्राई पैन, और फ्राई पैन में मैंने ऑलरेडी भून लिया है, मैंने यहाँ काली मिर्च भुनी है, काली मिर्ची डी मार्ट गई थी लेके आई थी, तो इस तरह मैं भून लिया, उसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद इसको फिर मिक्सी के जार में पीस लूँगी। और यहाँ मैं भून रही हूँ ज़ीरा, ज़ीरा भी ऑलरेडी मैंने भून लिया है, अब इसको यहाँ हल्के हल्के हाथों से इसको भून लिया है, बस ठंडे होने का वेट कर रही हूँ, जैसे ठंडा होएगा फिर मैं इसको भी पीस लूँगी, क्योंकि ज़ीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया और साथ में ख़त्म हो गया है गरम मसाला पाउडर, तो वो भी मैं अभी भूनूंगी, पहले निकाल लूँ गरम मसाला फिर उसको भून के उसको भी पीस लूँगी। तो ये दोनों चीज़ पहले ठंडी होने रख दे रही हूँ, फिर प्लेट तो यहाँ दोनों को ठंडा होने देंगे, फिर इसको मिक्सी के में पीस लेती हूँ, जब तक मैं निकालती हूँ गरम मसाला। और यहाँ जैसे कि बज रहा है 8:30 बज रहा है और रात शाम हो चुकी है, मुझे सिर्फ चावल बनाना है आज। आज मैंने बनाई थी दही कढ़ी बनाई थी, दिखा दो एक बार आपका, तो कुछ मैं दो दिन हो गया मैं गैप कर दी, कुछ डाल नहीं रही हूँ वीडियो, इतनी ज़्यादा गर्मी से हालत ख़राब हो रहा हो, गर्मी से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, कुछ नहीं दिल हो रहा है बनाने के लिए। तो मेरा पहले का ब्लॉग संडे का और एक दिन पहले या बाद का ब्लॉग मेरा पेंडिंग है, तो वो और ये ब्लॉग में साथ में जैसे कि मिक्स करके इसी को डाल दूँगी, 3-4 दिन का है, थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें वीडियो बना लिया था वो डाल रही हूँ मैं। और यहाँ मैंने जैसे कि आज बनाई थी मैंने दही कढ़ी, यहाँ मैंने दही कढ़ी बनाई, अभी मुझे ताज़ा चावल बनाना है, इसी फ्रेश चावल, दोपहर मैंने चावल और दही कढ़ी बनाई थी, और दही कढ़ी तो बहुत ही मज़े से सब खाए, क्योंकि दही कढ़ी गर्मी में इतनी अच्छी लगती है ना, बनाओ खाओ। साथ में मैंने दाल वड़ा बनाई थी, और साथ में बनाई थी मैं बेसन के वड़े, तो बेसन पकौड़ा बनाई थी और दाल वड़ा बनाई थी। तो चलिए थोड़ी देर बाद पहले गरम मसाला निकाल लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, देखिए यहाँ वो डब्बा है, एक बड़ा डब्बा है, इसमें मैं गरम मसाला जितने भी आए सब एक ही में आ जाता है,
और जो भी चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है इसमें से निकाल लेती हूँ, वो अलग अलग डब्बे में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें क्या है, सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, सारी चीज़ मिल जाएगी। और ज़ीरा राई तो अलग ही रखती है सर, तो बाकी जितने गर्म मसाले ज़रूरत की चीज़ें सारी है इसमें। तो पहले निकाल लूँ इसको मैं पहले, थोड़ा सा ये जायफल ये भी डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ जैसे कि मैंने गरम मसाला निकाल लिया, मैंने फ़िलहाल इतना निकाली हूँ अभी, और इतना सारा तो है फ़िलहाल, तो ये मैं रख रही हूँ अभी, और लगेगा तो मैं पीस लूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा ही मैं पीसने वाली हूँ, थोड़ा बोले तो भी अच्छा खासा मिक्स करेंगे तो अच्छा खासा इतना हो जाएगा। मेरे को आराम से आधा डब्बा, एक डब्बा छोटा जो मेरा डब्बा होता है मसाले का, वो आराम से इसमें भर तो जाएगा इंशाल्लाह, देखते। और ये है इतना फ़िलहाल, ये रख दे रही हूँ अभी, गैस ऑन करके इसको भून लेती हूँ पहले। इसमें काली मिर्च भी है, लौंग है, हरी इलायची है, गैस जला लेते हैं। तो इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, तो वैसे गैस बंद कर देना है आपको। अब इसको भी हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे इसको। और यहाँ फैन ऑन कर दी हूँ मैंने, तो यहाँ ये सारी चीज़ को ठंडा होने देंगे। जैसे कि गरम मसाला है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये तीनों लाइन से पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, फिर ये काली मिर्च, फिर गरम मसाला पीसेंगे, फिर उसको ढक्कन लगा के उसको पीस लेंगे पहले। तो यहाँ मैंने गरम मसाला भी पीस लिया है, और यहाँ काली मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। अब फटाफट सब डब्बे में ऐड करते हैं। तो फटाफट डब्बे में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने पीस लिया है ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर था तो एक्स्ट्रा मैंने इसमें रख लिया है, इसमें बॉटल में। और यहाँ जितना इतना सारा गरम मसाला था, देखो पीसने के बाद इतना हो गया, पावना डब्बा, तो ये आराम से मुझे चल जाएगा। और ये काली मिर्च इसमें भी मैंने पीस के आधा रखी हूँ, और ये बॉटल है काली मिर्च की। ये अंडा अंडा बॉईल करते तो उसमें लगता है, तो ऊपर से डालने के लिए हाफ फ्राई के लिए, तो यहाँ इसमें भी डाल दी मैंने। सबका ढक्कन लगा देंगे अभी, और जैसे कि बकरा ईद भी अभी पास नज़दीक आ रही है, तो बकरा ईद भी बहुत ही ज़्यादा करीब में ही है अभी, मुश्किल से आज 6 तारीख है, तो अभी 6-10-12 दिन बचे हुए कुछ बकरा ईद को। और ये मसाले जब भी ख़त्म होते हैं ना, तो मैं पीस के रख लूँ, तो ज़रूरी नहीं कि ईद आ रही तो ईद में पीसने का, ऐसा नहीं। और यहाँ जैसे कि मसाले जो पाउडर जो पीसी थी ठंडे भी हो गए थे, ये भी उसको ढक्कन अभी लगा दी मैंने, उसको रख दिया थे। और इसमें भी रिफ़िल करने का है, ज़ीरा है इसमें, रिफ़िल करने का है राई है, ज़ीरा है, सब बॉटल खाली हो गई है। और मसाले के तो मैंने बीच में भर ली थी, ये भी भरना बाकी है अभी। तो यहाँ मैंने दाल वड़े तलने शुरू कर दिए, यहाँ बनाई थी आज मैंने ना वो दाल वड़ा, जेबा वो शॉप से खाती है और हम लोग भी कढ़ी में डाल के खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और साथ में बनाई थी बेसन के बजे ऑलरेडी कढ़ी में है, वो करूँगी गर्म होने रखी, कढ़ी गर्म होने रखी, चावल बन चुका है। और यहाँ जैसे भजे हमारे अच्छे से थोड़े से लाल होंगे ना, ये देखो हो गया, ये दाल वड़ा हो गया, इसको निकाल लेती हूँ पहले। और कढ़ी के साथ दाल वड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये वाला। बेसन के पकौड़े तो आप हमेशा खाते हैं, एक बार दाल वड़ा बना के खाना उसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ
ना, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से खाना पीना हो चुका है, अब जा रहे हैं हम बेड पे। और आपको ये मेरे छोटा सा ब्लॉग भी कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये ब्लॉग मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन का ब्लॉग है, 1 दिन का नहीं है, तो प्लीज़ आपको पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो भी जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए कोई रेसिपी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।